यौन शोषण को लेकर दुनिया भर की मीडिया के सामने सुर्खियों में आई चीन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने किसी भी तरह के यौन शोषण की बात से इनकार कर दिया है। साथ ही पेंग शुआई ने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट से एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई थी। मीडिया आउटलेट लिकिप को दिए अपने पहले इंटरव्यू में पेंग शुआई ने कहा कि वो सामान्य जिंदगी जी रही हैं, उनके साथ यौन शोषण जैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी ने मेरा यौन उत्पीड़न किया है। मुझे उम्मीद है कि पोस्ट के मतलब को अब तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाएगा और ये भी उम्मीद है कि इसे और प्रचारित नहीं किया जाएगा। दरअसल पिछले साल पेंग शुआई के एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीनियर चीनी अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। तब से पेंग शुआई गायब थी। ऐसा कहा जा रहा था कि वो कहाँ हैं, इस बात की किसी को कोई खबर नहीं है। पिछले साल 2 नवंबर को पेंग के चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो के अकाउंट पर करीब 1600 शब्दों का पोस्ट किया गया। पोस्ट में चीन के पूर्व वाइस प्रीमियर झांग गाओली पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि पेंग शुआई को झांग के साथ यौन संबंधों के लिए मजबूर किया गया। झांग गाओली साल 2013 से 2018 तक चीन के वाइस प्रीमियर थे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी सहयोगियों में से एक हैं। मगर पेंग शुआई ने दुनिया के सामने आकर पहले इंटरव्यू में इस बात का खंडन कर डाला और सारे दबे हुए मुर्दों को फिर से जगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।